हरे कृष्णा, मैं कृष्णसारिका सात्विक रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल दलिया, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। और ये दो तरीके के दलिये से हम बनाएंगे, एक तो ब्रोकन व्हीट और जो दूसरा है मिक्स टूटा हुआ अनाज। तो चलिए हम सबसे पहले दलिये को रोस्ट कर लेते हैं। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब इसे उतार लेना है। आप इसे घी के साथ या ऑयल के साथ भी रोस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बिना ऑयल और घी के रोस्ट कर रही हूँ। और आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। जब ये सिक जाएगा तब इसकी बहुत ही अच्छी सी सुगंध आने लगेगी। अब हमारा जो दलिया है बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में उतार देते हैं। हमारा दलिया जो है वो रोस्ट हो चुका है। अब हम वेजिटेबल्स को कुक कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मस्टर्ड सीड्स राई डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। थोड़ी सी दालचीनी, इससे दलिये का स्वाद बढ़ जाएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च। कद्दूकस किया हुआ अदरक। फिर कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई ब्रोकोली। इसके बाद हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ कैबेज। फिर इसके बाद ग्रीन पीस, मटर, फिर कैरेट, फिर उसके बाद फ्रेंच बीन्स। आपके किचन में जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। इसे 5 मिनट तक सोते कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे दलिया। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे गरम पानी। गरम पानी हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। गरम पानी से जो है वो दलिया जल्दी पक जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा।
अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। और फिर सबसे एंड में डालेंगे नमक। नमक जो है हमेशा वो एंड में डालना चाहिए, क्योंकि इससे स्वाद भी अच्छा आता है और क्वांटिटी भी पता चलती है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो चलिए, हमारा मिक्स अनाज का दलिया बनके रेडी हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं। यस, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें घी ऐड कर लेते हैं। घी जो है हमेशा वो ऊपर से डालने से इसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है और ये खाने में बहुत डिलीशियस लगता है। हमारा मिक्स अनाज का वेजिटेबल दलिया बनके रेडी हो चुका है। अब आइए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आइए अब हम तुलसी पत्ता डाल के भगवान को भोग लगा देते हैं। बिना भगवान को भोग लगाए हुए खाना मन को प्रसन्न कभी नहीं करता। तो देखिए, हमने कितने हेल्दी वे में दलिया बना के रेडी कर दिया है। इट्स वेरी हेल्दी एंड टेस्टी। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हो और रात को डिनर में भी खा सकते हो। आज के हमारी किचन टिप्स हैं कि अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो उसे कैसे निकालना है, क्योंकि खाने में नमक कम हो तो हम उसे डाल सकते हैं, लेकिन अगर नमक ज्यादा हो तो उसे बाहर निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल टिप्स हैं कि आपको कच्चे आलू काटकर उसमें डाल देना चाहिए, क्योंकि आलू में नमक को सोक करने की, ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ देखते रहिए सात्विक रसोई, क्योंकि आप जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन। हरे कृष्णा। दलिया बनाने के लिए हमें चाहिए दलिया 2 कप, मिक्स अनाज दलिया 1.5 कप, तेल 2 बड़े चम्मच, राई 1 छोटा चम्मच, तेज पत्ता 2, दालचीनी 2 टुकड़े, काली मिरी 8 से 10, पिसा हुआ अदरक 1/2 इंच, कटी हुई हरी मिर्च 4, कटे हुए टमाटर 1, हरे फूलगोभी 1/2 कप, पत्ता गोभी 1/2 कप, मटर 1/2 कप, कटे हुए गाजर 1/2 कप, फलिया 1/2 कप, पानी 3 कप, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, हरा धनिया 1/4 कप, खड़ा नमक स्वाद अनुसार, घी 1 बड़ा चम्मच। एक पैन में दलिया और मिक्स अनाज दलिया दोनों को अच्छे तरह सुनहरे रंग आने तक भून ले। अब एक पैन में तेल गरम करें, फिर उसमें राई, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिरी, किसा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डालकर उसे सौटे कर ले। फिर उसमें कटे हुए टमाटर, हरे फूलगोभी, पत्ता गोभी, मटर, गाजर और फलिया डालकर उसे 5 मिनट तक मिलाते रहे। फिर भुने हुए दलिया, गरम पानी और हल्दी पाउडर डालकर पकने दे। अंत में हरा धनिया और खड़ा नमक डालकर 5 मिनट ढककर पकने दे। पकने के बाद ऊपर से घी डाल दे। हमारा गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल दलिया सर्व करने के लिए तैयार है।